शांति। आज की शिक्षाप्रद कहानी का नाम है संतोषी मानव सुखी मानव। एक मुस्लिम व्यक्ति था जिनका नाम था शेख वादी। वो रोज मस्जिद जाता था, नमाज पढ़ता था, कम से कम दिन भर में 5 बार नमाज पढ़ता था, परंतु बहुत गरीब था, यहां तक कि उसके पैर में जूते भी फटे हुए होते थे। एक बार वो मस्जिद में था तो उसने देखा कि वहां एक रईस अमीर आदमी आया, उनके पैर में जो जूते थे वो मीनाकारी लगाए हुए हीरे मोती से जड़े हुए थे। तब उस शेख वादी ने उस व्यक्ति को पूछा कि आप कितने दिनों के बाद मस्जिद में नमाज पढ़ने आते हो? तो उस अमीर व्यक्ति ने कहा, मैं वर्ष में एक ही बार आता हूं। तब शेख वादी ने अल्लाह को देखते हुए कहा, ए अल्लाह हे खुदा, मैं दिन भर में 5 बार नमाज पढ़ता हूँ, रोज मस्जिद आता हूँ, मेरे पैर में जूते फटे हुए और वो अमीर व्यक्ति वर्ष में एक ही बार आता है और उनके जूते मीनाकारी से सजे हुए, हीरे मोती से सजे हुए, ये कैसा न्याय है? इतने में उस व्यक्ति ने, शेख वादी ने देखा, एक दूसरा व्यक्ति मस्जिद में आया। वो कैसा व्यक्ति था? जिसके दोनों पैर ही नहीं थे। घसीट कर वो मंदिर में धीरे धीरे मस्जिद में पहुंचा। उसे देखकर शेख वादी एकदम शांत हो गया और उसके मन में तुरंत परिवर्तन हुआ। उसने अल्लाह को देखकर कहा, हे खुदा, हे अल्लाह, तू कितना अच्छा है, तुम कितना मेरे ऊपर मेहरबान है, मेरे पैर में जूते अच्छे न सही, तुमने मुझे पैर तो सलामत दिए, जिन पैरों के आधार पर मैं जीवन में कितना आगे बढ़ सकता हूँ, जीवन के कई काम कर सकता हूँ। और उसने अल्लाह का शुक्रिया अदा किया। कहानी से हमें ये बोध प्राप्त होता है कि अल्लाह से, खुदा से, प्रभु से जो कुछ भी हमें जीवन में प्राप्त होता है, हम संतुष्ट रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें। हाँ, ये जरूर है कि प्रयत्न करना कभी न छोड़े, मेहनत से पीछे न हटे, परंतु इस नियम को भी सदा याद रखें कि जैसा कर्म हम करेंगे वैसा फल हरेक के पास निश्चित आना ही है। ओम शांति।